नमस्कार, मैं प्रिंस मौर्य और आप देख रहे हैं ट्रूथ विद प्रिंस। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आजकल गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मार्च के महीने से ही गर्मी को महसूस किया जा सकता था, लेकिन अप्रैल आते आते तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब ऐसा हो रहा है कि जब बाहर निकल रहे हैं तो गर्म हवाएं और सनलाइट इतनी तेज़ हमारी स्किन पर पड़ रहा है कि लगता है स्किन जल जाएगी। घर पर आकर देखते हैं तो देखते हैं कि स्किन जो है वो टैन हो गई होती है, और जो गोरी स्किन वाले लोग हैं यानी गोरी चमड़ी के लोग हैं उनकी जो स्किन है वो रेड हो जाती है। ये होता है मेलानिन की वजह से, हमारे जो बॉडी में या स्किन में जो मेलानिन जो है उसकी वजह से ये सब कुछ होता है। लेकिन बायोलॉजिकल डिटेल में ना जाकर मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये टॉपिक ये वीडियो इस टॉपिक पर है कि गर्मी बढ़ती क्यों है। तो गर्मी बढ़ती है इसलिए क्योंकि इसके दो मुख्यतः कारण है, वो ये है कि सबसे पहले तो हम नेचुरल जो चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट को ठंडा रखते हैं उसको हम मिटा रहे हैं, और दूसरा ये कि जो हम मैनमेड चीज़ यानी जो आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो हम लोग नेचुरल चीज़ें मिटा रहे हैं मतलब पेड़ पौधे हम लोग काट रहे हैं और बहुत सारी नेचुरल जो चीज़ें हैं उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और मैन मेड चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब जो हम लोग घर में एसी और फ्रिज या रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से। जब हम लोग ये ऐसा चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो इसमें से निकलता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को हीट कर देता है, गर्म कर देता है बिल्कुल। तो जब हम लोग एसी कूलर के वाले कमरे से बाहर निकलते हैं तो हम लोग महसूस करते हैं कि बाहर का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा गर्म है। वो इसलिए क्योंकि जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलेगा और एनवायरनमेंट को हीट करेगा तो वो तो गर्मी महसूस होगी। पिछले कई सालों से यह एक बड़ी बहस बनी हुई है कि पेड़ों को काटना पर्यावरण के लिए उचित नहीं है, लेकिन विकास कार्यों के लिए पेड़ों को काटने की इजाज़त दी जा सकती है। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, संसद हो, न्यायालय हो, हर जगह यही बात होती है कि पेड़ नहीं काटना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए क्योंकि पर्यावरण खतरे में है। अभी भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने संसद में पेड़ों की कटाई का एक आंकड़ा पेश किया था। उसमें इन्होंने बताया था कि सिर्फ 2020-21 में ही देश भर में कुल 30,97,721 पेड़ काटे गए। किस राज्य में कितने पेड़ काटने की इजाज़त दी गई थी वह आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आप लोग एक बार नजर डालिए और देखिए कि कितने पेड़ किस किस राज्य में कटे हैं। इसी समय कुछ ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर एक भी पेड़ काटने की इजाज़त नहीं दी गई, यानी 2020-21 में एक भी पेड़ काटने की जहां इजाज़त नहीं गई वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मैं आप लोगों को बताता हूं। चंडीगढ़, दमन और दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पौंडीचेरी, सिक्किम और पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। ये ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां वन संरक्षण कानून 1980 के तहत कोई पेड़ काटने की इजाज़त नहीं दी गई। इसी के साथ पर्यावरण मंत्रालय ने एक और आंकड़ा पेश किया। उसमें उन्होंने ये बताया कि 2016 से 2021 तक उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटने की इजाज़त दी। वो नंबर आप लोग सुनिए, 1,20,00,000 पेड़ों को काटने की इजाज़त दी गई इन 5 सालों में। अब विकास होना था तो पेड़ भी कटना था, पेड़ कटना था तो उसी कानून यानी वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पेड़ लगना भी था, यानी पौधे नए लगाने भी थे क्योंकि जब कटने थे तो लगने भी हैं। तो मंत्रालय के मुताबिक साल 2020-21 में पेड़ों की कटाई के बदले 3,64,87,000 पौधे लगाए गए थे। इसको लगाने का जो खर्च आया था वो आया था 3,58,87,000 रुपये। लेकिन पेड़ों को काटकर पौधे लगाना कितना फायदेमंद है इस पर भी एक सवाल उठता है। पेड़ों को काटने को लेकर जब भी सवाल उठता है तो प्रशासन यही दलील देती रहती है कि वे कानून के अनुसार पौधे लगाकर इसकी भरपाई कर रहे हैं। केंद्र सरकार भी संसद में यही दलील देकर अपने आप को छुटकारा दिला लेती है, यानी इससे हाथ फेर ले। हालांकि पेड़ों को काटकर नए पौधे लगाना कितना लाभकारी है यह एक बहुत बड़ी बहस बनी हुई है। कई समाजसेवी और पर्यावरण प्रेमी ये कहते हैं कि वनों को काटकर जो पेड़ लगाए जाते हैं उनमें से या तो ज़्यादातर सूख जाते हैं या तो मवेशी उन्हें खा जाते हैं यानी चर जाते हैं। ससुरे बहुत बदमाश है, मवेशी किसानों को भी परेशान करते हैं और सरकार को भी। खुद सरकारी आंकड़े भी इसका दावा करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, देखिए स्क्रीन पर पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बताया गया कि 5 सालों में जो पेड़ लगाए गए उनमें से कितने बचे और कितने खत्म हो गए। तो 5 सालों का पहले आंकड़ा सुनिए, 20,81,00,000 जो है पौधे लगाए गए, उनमें से बचाए कितने गए 15,96,00,000 और खत्म कितने हुए 4,84,00,000 पौधे जो हैं वो नष्ट हो गए। अब 2016-17 में 3,70,00,000 पौधे लगाए गए जिनमें से 1,25,00,000 जो है वो खत्म हो गए। फिर 17-18 में 4,68,00,000 लगाए गए, खत्म हुए 1,26,00,000। 3,68,00,000 लगाए गए थे 18-19 में, खत्म हो गए 79,00,000। 19-20 में 4,70,00,000, उसके बाद 81,19,00,000 खत्म हो गए। 20-21 में जो लगाए गए जो मैंने आप लोगों को बता दिया है 4,84,00,000 लगाए गए और उनमें से जो है 72,00,000 जो है वो खत्म हो गए। मंत्रालय का कहना है कि प्रतिकूलन वनीकरण मैनेजमेंट और प्लानिंग अथॉरिटी यानी कंपा के तहत लगाए गए पौधों का रखरखाव 5 से 10 सालों के लिए किया जाता है। इस दौरान निगरानी भी की जाती है और जरूरत पड़ने पर सुधार भी किए जाते हैं। कंपा एक ऐसी अथॉरिटी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट के अंडर में ही काम करती है जो कि पौधे को नए पौधे मतलब पेड़ कटाई के बाद पौधों को लगाने का काम करती है, और इसका मतलब कि एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेती है,
और 10 सालों तक इनकी जिम्मेदारी होती है, 10 साल तक पौधे की ये देख रेख करते हैं और कुछ सुधार भी करते रहते हैं बीच में, और उसके बाद इनका जो है काम खत्म हो जाता है। अब आपको भी पता है कि जो पेड़ जो है वो सच में काटे जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन पेड़ कम हो रहे हैं, गाँव में भी कम हो रहे हैं, शहरों में तो गायब भी हो गए पेड़, जंगलों में भी पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में काटे जा रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे देखते हैं कि जंगल जब सूख जाते हैं तब वहाँ पर आग लग जाती है और बहुत ज़्यादा तेज भड़क जाती है, बहुत जगहों पर ऐसा होता है। तो जब पेड़ काट दिए जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जानवरों के लिए, और जो जंगल के भरोसे बहुत सारे लोग रहते हैं उनके लिए भी, पशु पक्षी जो हैं वो भी इसके भरोसे रहते हैं, और उसके बाद जो गर्मी बढ़ती है वो भी बढ़ रही है। तो आप लोग सोचिए कि पेड़ पौधे काटना कितना बड़ा जो हमारे लिए नुकसान है। आपको भी पता है कि पेड़ पौधे जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोगों को याद है कि बहुत सारे पेड़ पौधे हर जगह हुआ करते थे। जब हम लोग रोडों पर चलते थे यानी किसी भी सड़क से गुजर रहे होते तो सड़क के किनारे किनारे बहुत सारे पेड़ पौधे होते थे। अगर धूप लगती थी तो हम उनके मतलब छाया में बैठ के आराम भी करते थे, उनकी छाया में होकर चलते थे हम लोग ताकि धूप से बच सकें। लेकिन अब जो है सड़कों के किनारे से पेड़ काट दिए गए हैं और रोडों को चौड़ा करके हाईवे बना दिया गया है, और मतलब डबल लेन है, फोर लेन है, सिक्स लेन करके रोड को कर दिया गया है और पेड़ पौधे काट कर हटा दिए गए, नए पौधे लगे भी नहीं है, साइड में फूल वगैरह लगा दिए गए हैं। ऐसा लगता है वैलेंटाइन का मौसम ही चल रहा है वक्त, तो वही लगाए हैं, मतलब बड़े पौधों को ख़त्म कर दिया गया है जो कि ज़्यादा हमारे लिए काम के थे। तो अब आप लोग खुद सोचिए कि क्या सच में पेड़ पौधों का नुकसान हुआ है, और पेड़ पौधों को नुकसान हुआ होगा तो आपके जो है पर्यावरण को भी नुकसान हुआ है। अब जब नुकसान हुआ है तो उसको भरपाई करने का जिम्मेदारी किसकी है, वो हमारी है। तो हम लोग क्या करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाकर खुद पर भी और लोगों पर भी एहसान करेंगे, और सबसे बड़ा एहसान किस पर करेंगे, सरकार पर, जिसने इतने सारे पेड़ काट दिए। तो एहसान करिए, पेड़ पौधे लगाइए, और मतलब कि कुछ अच्छा काम है ये करिए। वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों तक, उनको पता चलना चाहिए कि कितने पेड़ हमारे देश में कट रहे हैं। धन्यवाद।